बनी कि जब आई रिमूव हो जाएगी तो वो कैसा दिखेगा, ये देखो। क्या बोला डॉक्टर ने बताओ जरा। बनी क्या हो गया बाबू? बेहोश तो किया नहीं, कुछ नहीं किया इसको। बनी चले चले, ओए बनू क्या हो गया? पूल के अंदर ये घुस के यहाँ पे सोती है ये। मिला काका, आजा आजा आजा, ए जंपी कर ली जंपी कर ली। पेन तो नहीं होली? अब पेन तो नहीं होली मेरे काके को? पेन तो नहीं होली? देखो आईज इसकी, गाइस इसकी आईज की हालत ठीक नहीं है। अब पता नहीं ये पेन में है या नहीं, पेन में तो थोड़ा बहुत तो है, ये तो पता चल ही जाता है। सो हे गाइस, की हाल चाल सारों, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल हरप्रीत SDC। लेंस बहुत गंदा हो रहा है, पहले मैं लेंस साफ कर लूँ जरा एक मिनट। गाइस पता है थोड़ी सी मेरे को तो पता है थोड़ी सी खुशी हो रही है आपके बनी को पेन से छुटकारा मिलने वाला है उसकी, क्योंकि वो और डॉक्टर से भी मेरी अपॉइंटमेंट में बात हुई है। मैंने जब अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल किया तो उन्होंने ये बोला कि एक और ऑप्शन है, वो भी करके देखते हैं। उससे आई साइट तो नहीं आएगी इसकी, लेकिन आँख बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब हम इसकी रिमूव करवा दें, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा हमने बस डॉक्टर को ये बोलना है कि इसकी पेन ख़त्म होनी चाहिए बस। हाँ, आँख अगर पेन ख़त्म होने के साथ आँख रहती है तो वेरी गुड, नहीं रहती तो रिमूव इट बस। उसकी पेन अब और नहीं बर्दाश्त। जिस डॉक्टर ने जैसा हमें हिसाब से हमें बताया है ना, जो पुणे वाली, तो हमें यही लग रहा था कि इसकी आई रिमूव करवा दें। और बेचारा अभी सुबह से भूखा हुआ, क्योंकि अगर उसकी आई रिमूव करेंगे वो आज ऑपरेट करेंगे उसको, तो वो भूखा होना चाहिए क्योंकि उसको बेहोश करना पड़ता है ना। तो इसलिए अभी बनी रेस्ट कर रहा है और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। और वो ये बोल रहा है इसकी आई में से कुछ वो निकालेंगे, फ्लूइड निकाल के इसको कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो जाके डिस्कशन होगा। अगर वो अच्छी खासी मतलब वो बोलेंगे कि हाँ भाई हो सकता है उसके बाद, तो फिर हम चांस ले लेंगे एक आधा और। अदरवाइज वो बोलेंगे नहीं नहीं आप रिमूव करवा दो इसकी आई कंडीशन देख के, तो फिर हम रिमूव आज ही करवा दें। तो हम इसी फेवर में हैं कि रिमूव करा दें। हाँ, अगर कुछ हमें कन्विंसिंग लगता है कि ठीक, हाँ, उसको पेन भी नहीं होगी, हाँ, तो रखेंगे। अदरवाइज नहीं, अगर वो पेन किलर्स वगैरह लेके और वो एक हफ्ते में, हाँ, मतलब हो जाता अब है, बहुत खिंच गया ना। हाँ, अब हम चांस लेंगे अगर हमें लगेगा वो ठीक, चांस लेना ढंग, हाँ, से। अदरवाइज अब हम कब तक बच्चा हमारा रहेगा यार उसमें, कब तक कैद रहेगा मेरा काका? इतना दलेरू है ये, इतना दलेर मैंने कुत्ता देखा नहीं आज तक। ब्रॉडी से ज़्यादा दलेर है ये, मारे बॉडी से भी ज़्यादा दलेलू लाम है ये। बॉडी दिखने में दलेर है और ये दिल से दलेर है, दिल से दलेर है ये, इतनी दर्द सहन कर रहा है बेचारा। सो गाइस चलो अभी निकलते हैं हम, और जो जो जैसे जैसे भी अपडेट होती है आपको बताते हैं कि बनी का आज ऑपरेशन होना है या कल होना है। एटलीस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि बनी के जब आई रिमूव हो जाएगी तो वो कैसा दिखेगा, ये देखो। ऐसा यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, हैं? हाँ, वो क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा दिखेगा, खेलेगा कूदेगा अपना, उसको खुशी मिलेगी अंदर से, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। हाय, मेरी छिपकली जा रही है, मेरी छिपकली खुश हो जाती है ये। हाँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरी छिपकली डॉक्टर के पास जा रही है मेरी छिपकली। चलो छिपकली को लेके चलो, चलो छिपकली को लेके चलो, चलो चलो ध्यान से आँख बचा के। ए, 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 छिपकली, इसकी बॉटल ले आओ। एक तो इसके पूरे रास्ते आँख का ध्यान रखना पड़ता है, ये देखो इसकी बनी की बॉटल भी लेके जानी पड़ रही है। हाँ हाँ ले ली। एक काम कर, इसको आगे बिठाइए, आगे खोल है? मेरा ऑरेंज गया एक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा एक ऑरेंज ही गिर गया, क्या क्या पकड़ा हुआ मैंने। इसको आगे बिठाइए, आगे कंफर्टेबल से बैठ जाता है, तू पीछे बैठ जा। बैठता ही नहीं मेरे पास। हाँ आगे बैठ जाता है कंफर्टेबली। ऑरेंज गिर गया, उठा लूँ क्या? हाँ, और क्या, छील के तो लेना। पिचक जाएगा, पिचक गया मेरे मेरे ऑरेंज का काम हो गया गाइस। वो देखो मेरा ऑरेंज पिचका दिया किसी ने, एक ऑरेंज बचा हुआ है। ये बनी के लिए हमने रस ले लिया, वैसे रस उसको खिलाने नहीं होते, लेकिन अब वो रस ही खाएगा रास्ते में। आगे बैठा दे, आगे कंफर्टेबली बैठ जाता है। तू मत बैठ। अच्छा मैं नहीं बैठूं? नहीं नहीं वो बैठ जाएगा। हाँ, फाइन। वो तभी अकेला, ये सीट नीचे कर दे एकदम, एकदम नीचे कर दे, फिर ये बैठेगा आराम से, एकदम एकदम नीचे और नीचे। हाँ बस अब ये बैठ जाएगा, तू इस साइड आके बैठ जा मेरे पीछे। आए मेला काका, मेरा काका सोना काका, गमी लग लिया गमी। ओए ओए यार, इसकी ऑरेंज का क्या हाल हुआ है? इसकी आंख लाल हो गई आगे से बहुत। हाँ, ब्लड आ गया इसकी आंख में। देखते हैं यार, वरना हम तो प्रिपेयर्ड ही हैं इस बार। चलो भाई निकलते हैं, वहां पे मिलते हैं आपको।
मैं खा रहा हूँ ऑरेंज, मेरा वाइटामिन डी कम आया है तो मैं वाइटामिन डी को पूरा करने के लिए ऑरेंजेस और ये सब चीज़ें खा रहा हूँ जिसमें वाइटामिन डी ज़्यादा होता है। आप भी अपना टेस्ट करवाते रहो, साल में एक बार पता लगता रहता है बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गुरनीत ने कितने बजे आना स्कूल से, तब तक आ जाएंगे हम? नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, मायरा चांदनी लेगी उसको और घर ड्रॉप कर देगी। अच्छा चले, बात हो गई है, चलो बैठ जा आराम से। सो गाइस देखो छोटा बच्चा कैसे सो रहा है, खोपड़ी उबल करके अपनी खुला उठ गया, बस यही करता रहता पूरे रास्ते। हमें वो हो जाता है मतलब कि ये सोए लेटे लेटे लेटे, लेकिन ये अनकंफर्टेबल सा रहता है। और दूर भी इतना है ना डॉक्टर, दूर भी इतना है। हाँ, और हमें पता क्या लगता है कि सब लोगों को पता चले कि इनका जो प्यार होता है ना वो अनकंडीशनल होता है। सब लोगों को पता चलना चाहिए, जो लोग डॉग्स को मारते हैं बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। आते जाते लोग डॉग को लात मार देते हैं, ये कर देते हैं मतलब, और वो भुगतेंगे जो ऐसे करते हैं ना बेजुबान जानवर को जो मारते हैं, बहुत गलत है। हमसे पूछ के देखो कितने प्यारे होते हैं ये, और काफ़ी लोग होंगे जो हमसे सीखे होंगे डॉग्स को प्यार करना। जो भी बच्चे आपके हैं उनको आप एनिमल्स से हमेशा मिलवाओ, फ्रेंडली करवाओ, और ये सिखाओ कि एनिमल्स को खाना देना है, फीड करना है, उनकी टेक केयर करनी है। इससे ह्यूमैनिटी बढ़ेगी, उनके अंदर भी प्यार रहेगा, और वो कम एग्रेसिव, बच्चे भी जैसे एग्रेसिव होते हैं ना, उससे वो चीज़ें भी कंट्रोल होंगी, कंट्रोल होती हैं। और पता है क्या है, कहते हैं कि इंसान का दिल का पता करना है ना कि उसका दिल कैसा है, तो वो उससे पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर एनिमल्स के साथ कैसा है। जो इंसान एनिमल्स के साथ प्यार करता है ना वो इंसान का दिल बहुत अच्छा होता है। तो ये बात आप नोटिस कर लो मेरी, और ये ऐसा ही होता है। तो एनिमल्स से प्यार करो गाइस, ये बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं ये। आर यू रेडी? हाँ रेडी तो है, टेंशन भी हो रही है, क्या बोलेगा, उसके पैर सड़ रहे लग रहा है। आज गोदिया ना? नहीं नहीं रहने दे, चला जाएगा, देख रहा है, देख रहा है कैसे देखता है ये। हाँ बनू बनू, कहाँ जा रहे हैं हम? अब सड़ेगा पैर, अब सड़ेंगे, भागेगा तेज तेज, उठा लेती हूँ। चुच्चू कर ले पहले, चल चल चुच्चू करो, देखो आँख ऐसा लगता है दीवार से टच हो जाएगी इसकी। बोला सुसू की जगह पॉट्टी निकल आई है उसकी, कोई नहीं पॉट्टी कर ले। चलो बनी आ जा, मैं नहीं आऊंगा, पिछली बार भी ऐसे ही बुलाया था और पोछा लगवाया था। आ जा आ जा आ जा, मैं तेरे को देख के आया। हाँ क्या कह रहे, कहते कि डॉक्टर से बात, मेरे से बात हुई थी, मैंने कहा हाँ, फिर मुझे याद आया डॉक्टर से बात हुई, अभी तो सर्जरी में है, हाफ एन आवर लगेगा। लगेगा, मंगा ले फिर कुछ खाने के लिए पहले, नींद। मैंने तो खाई भी थोड़ी सी ना वो मिचली। गाइस अभी आधा घंटा हमें यहाँ वेट करना है, डॉक्टर बिजी हैं, और तब तक हम लोग कुछ खाने के लिए क्या हो? थाली मंगा लूँ? सिंपल सी, मेरे को तो आज नींद आई। मैं गाइस कल से जिम जाना शुरू किया ना, तो इतनी बुरी हालत है मेरी, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो कुछ मिलता है खाने के लिए, पता नहीं, मार्केट सी लग रही है, लेकिन देख के आता हूँ मैं। बनू बनू, हाँ मेरा बनू भूखा है चुपे से, मेरे को तो ऐसे लग रहा है ड्रीम ड्रीम जैसे चल रहा है, वो स्ट्रेचिंग कराई है ना, वो स्ट्रेचिंग ही निकली हुई है। कोई नहीं, मैं देख के आता हूँ कुछ खाने के लिए। हाँ। मैं बाहर चला जाता हूँ ना थोड़ा सा, कांपना शुरू हो जाता है। मैं इसके कानों में इतने गाने सुनाती हूँ, आपको कहाँ चले गए? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला डॉक्टर ने बताओ जरा? डॉक्टर ने बोला है वो आई बॉल रिमूव करने की बजाय आँख का फ्लूइड वो करके ना निकाल के एक चीज डाल देंगे, जिससे कि आईबॉल ना किसी श्रिंक हो गए, और आईबॉल को शायद नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन आँख किसी काम की नहीं होगी, वो तो अभी भी नहीं है ना। हाँ, तो वही तो, रिमूवल की जगह वो बच जाएगा। देखो कितना बड़ा है शेर। सो गाइस मैंने तो मंगवा लिया थाली, मेरी निकल रही है भूख से जान। तो अभी क्या हुआ है ना सीन, डॉक्टर ने एक ऑप्शन बताया है कि आई तो वैसे भी डैमेज है, देख तो वो वैसे भी नहीं पाएगा उस आँख से,
तो आपने कुछ इंसानों की देखी होंगी आँख ऐसे छोटी होती है थोड़ी सी, है ना, तो वो जेंटामाइसिन कोई इंजेक्शन होता है वो दे के ना आँख डैमेज हो जाती है, अंदर से किसी काम की नहीं रहती, आँख छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। वही कर रहे हैं, अभी एक ऑप्शन है, कम से कम आँख निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर वो भी आगे जाके कामयाब नहीं हुआ तो फिर आँख निकालनी पड़ेगी। अभी क्या होगा कि एक आँख बनेगी नॉर्मल है जिससे वो देख पाएगा, दूसरी से वो देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी आँख थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है, अब वो कर रहे हैं। अभी सतेंद्र वेट कर रही है, मेरी जान निकल रही है भूख से। मैंने थाली मंगा ली थी स्विगी से आज, आज मेरे साथ सुबह पता है क्या हुआ, पासपोर्ट ना मैंने, मेरा पासपोर्ट मैंने देखा यार, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, 2022 तक था वो, मेरा पासपोर्ट था पुराना, और मैंने सारी डिटेल्स की भर दी, ये कर दी, और जो कि मेरा न्यू पासपोर्ट, पता नहीं दिमाग कहाँ ही कहाँ चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने देखा यार अभी तो मेरा पुराना पासपोर्ट, फिर नया देखा मैंने, वो 2027 तक है, 2027 तक है। मैंने कहा, फिर मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करी, 2000 रुपये वेस्ट हो गए जो अपॉइंटमेंट के भरे थे। मतलब क्या ही दिमाग कहाँ ही चल रहा है, वो बनी की टेंशन इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना, क्या बताएं आपको भाई। ये देखो थाली आ गई है, फटाफट खोल के खाऊं, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, देखने में तो बड़ी लग रही है, खा के देखें जरा कैसी है। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है तो लगनी है वो तो मेरे को गाइस, भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख अगर थोड़ी देर में भूखा रहता हूँ ना ज़्यादा देर तो सिर पे चढ़ जाती है, सिर बहुत तेज पेन होता है मेरा, पता नहीं कुछ लोग कहते हैं एसिडिटी थी, ये क्या है क्या है क्या नहीं होता, कुछ समझ नहीं आती। तो फटाफट मैं खाऊं, और फिर उसके बाद सतेंद्र वेट कर रही है, सतेंद्र वहाँ पे अभी 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 टाइम हमारी टर्न नहीं आई अभी, सतेंद्र वेट कर रही है, फटाफट मैं खा के आधा सतेंद्र के लिए छोड़ दूंगा, फिर सतेंद्र आ जाएगी वो खा लेगी, या फिर वो जाते हुए बाद में खाएगी, पता नहीं, देखते हैं। फाइनली आ गया है, इसको बहुत ज़्यादा पेन हुई है फिर से, चलो इसको, ये थोड़ा सा बेहोश सा है, ये आराम से रेस्ट करेगा, बैठ जाएगा मेरे पास, आप पीछे बैठ जाएगा, गोदी में ले लूँगी ना मैं इसको। चलो बनी, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, अभी तो पानी भी नहीं देना ना इसको, बैठ पहले, अभी तो इसको पानी भी नहीं देना ना। हाँ सीट आगे करूँ, ओहो उल्टी कर दी यार, उल्टी कर दी उसने, क्या वॉमिट कर दी, कोई नहीं साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी की है, हाँ खाया ही नहीं तो वॉमिट कहाँ से करेगा, वो ड्रिप लगी है ना तो शायद, कोई बात नहीं। क्या हुआ था इसको, चीखा क्या था ये, पता नहीं अपने अभी कुछ लगा नहीं इसको, पेन मूड हो रही होगी इसको या तो, और पेन किलर दिया भी नहीं है डॉक्टर ने, पेन किलर देने से मना, क्योंकि पेन किलर से लीवर भी खराब होता है ना गाइस, परेशान हो गया बेचारा, अब पिएगा पानी बेचारा सुबह से। हाँ इसको पहले ऊपर ही रख थोड़ी देर, उसको भी चैन पड़ा होगा घर आके, चेहरा होगा, ये देखो सुंदर उसको चेक कर रहा पूरा, इसको पानी पीने देना अभी कि नहीं पता नहीं, एक घंटा तो हो गया, तो देना पड़ेगा यार बेचारा। बनो इसकी टेप उतार दे जरा, दे दो टेप उतार दे वरना भूल जाएंगे, खड़ा ही है बैठ भी नहीं रहा, वो सदमे में है बेचारा, नशा इसको लग रहा है, दवाई इंजेक्शन तो नहीं लगाया इसको, नहीं कुछ नहीं, रख इसको नीचे उठा दे, पहले ले उतार दे इसका, पहले पानी पिला दूं यार, पानी पिएगा ना, वो गर्मी कितनी थी, अपने आप पी लेगा ना जाके जब उसको लग रहा होगा, ऐसे मत पिला, वो उसमें से पी लेगा जाके, ध्यान से चल उतार इसको नीचे, ब्रॉडी ना आ जाए ना मिलने इससे, नहीं कुछ नहीं होता, रख दे नीचे रख दे, वो अपने आप जाएगा, बनू उसको बैठना होगा अभी, थोड़ी दूर रहे, दर्द हो रही है उसको, अंदर जाना है उसको, थोड़ी दूर रहे, खोल इसको, कॉलर का स्यापा एक तो पता नहीं, कॉलर का यार फिर भी अभी अभी तो पता, अभी रुक जा वो देखो बैठ रहा है, खुद ही बैठ रहा है बेचारा, क्या हो रहा है इसको, बनी क्या हो गया बाबू, बेहोश तो किया नहीं, कुछ नहीं किया इसको, बनी चले चले, ओए बनू क्या हो गया, यार ये गिर ना जाए, ये कैसे कर रहा है, सपोर्ट दे इसको जरा, ये देख गिर रहा है वो, उसको बेड पे लेटाओ ऊपर, ब्रॉडी ब्रॉडी तो बाहर रहा, दो मिनट बैठ जा बैठना, उसको बैठना था, कोई नहीं बैठने दो उसको थोड़ी देर, या फिर अभी कॉलर, लेकिन खुद भी ना हर्ट कर लेना, कॉलर तो पहनाना ही पड़ेगा यार, गुनीत का तो गुनीत को ले आ जा, गुनीत को लेके आती हूँ, मायरा के ही घर है,
हाँ ठीक है लिया। ये गुनीत आ गई यार, कैसा मजा आया स्कूल में? मजा आया? आपकी कॉस्ट्यूम कब मिलेगी? ओ सॉरी ड्रेस, ओ सॉरी यूनिफॉर्म। वो आज तो चुकी है, बस टाइट करवा दी। और ये देखो गाइस, ये मायरा के घर से इसको दोबारा ले आए हो रिटर्न गिफ्ट। वो बॉयज वाला था, ये गर्ल्स वाला है। और वो जो बॉयज वाला वो कहां है? मेरे को वो भी ले लिया, इसके स्टडी टेबल पे, उसमें इंटरेस्ट नहीं था ना इसको। वो भी रख लिया, ये भी रख लिया। हां डबल डबल। और अब मैं बन्नी के साथ थोड़ी देर सोने वाला हूं। क्लास है? मैं ये टॉप चेंज कर निकल रही हूं। ओके, कौन सी क्लासेस की? वो स्पीड वाली जो क्लासेस आती है। स्पीड वाली मतलब? मतलब लाइक जैसे पहले क्लासेस होती थी ना इसकी, लाइफ स्किल्स की क्लासेस हैं। उसमें इसकी स्पीड मेंटेन होती है, जो बच्चे थोड़ा पीछे, इंप्रूवमेंट होती है। कोरोना की वजह से पीछे छूट गया ना। अच्छा, और ये तो काफी पीछे छूट गई है। विनीत पापा आए हो आप, सुबह से मिले नहीं पापा से। अब क्या होता है ना गाइस, जब मैं उठता हूँ ना ये चली गई होती है स्कूल, तो हम दोनों मिल नहीं पाते। हम दोनों बहुत ज्यादा जुदा जुदा फील कर रहे। एक पारी दे दो बस, एक पारी। उम्मा और आपको थोड़ी देर मेरे साथ लेटना है अभी। नहीं देख लो प्लीज, मैं फिर से बहुत बच जाऊंगा स्नेक। देखना गाइस, जब मैं स्नेक बनूंगा तो ये कैसे करेगी। ये इससे बड़ा डरती है। सो के खा लेता हूँ। उठ के खानी है कि खा के सोना? सो के खाऊंगा। बताओ ना, मैं तो जा रही हूँ। अरे चीज दिखाओ। क्या इसने गाइस देखना क्या किया, जो हम नया पूल लाए थे ना उसका देख लो इसने क्या बना दिया। ये देखो पूल के अंदर ये घुस के यहाँ पे सोती है ये बदतमीज जानवर वाली इंसान। मम्मा को कहूंगी मम्मी आप नीचे सो जाओ आज, और मैं आज बेड पे सोऊंगी इसको बिछाकर। हाँ ठीक है, बाय कर दो। चलो इसी के साथ गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान करे जल्दी जल्दी ये जो सैडनेस है बनी वाली ये ख़त्म हो। अब तो बस ये लग रहा है कि बनी को रिलीफ मिल जाए, बनी खुश हो जाए, बस दर्द ख़त्म हो जाए उसकी बेचारे की। और गुनीत सो गई है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय कर दो गुनीत। देखना गाइस आपने ऐसे ही ना ये पूल यूज होने से पहले ही आपने इसका काम कर देना है, फाड़ देना इसको।